Hey guys, welcome or welcome back to my channel Glamify with me, and I hope you all are doing well and enjoying Navratri as well. So this is me Shivangi, and today I have created this Navratri makeup look. Aapki request thi ki main is par ek makeup look share karun, so this is the makeup look I come up with and I really love this look. Aapko kaisa laga comment box mein zarur batayega. To dekhte hain ki ye makeup look maine kaise create kiya hai. So let's start this video without wasting much time. And before that, as I always say, agar aap mere channel pe naye hain, then subscribe it, press the bell button to get notified every time. And yes, video pasand aaye to please 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 ise like and share zarur kariyega. Now let's quickly jump into the video. सो गर्ल्स, आई एम स्टार्टिंग विद बेयर फेस. इस समय मेरे फेस पे कुछ नहीं है एक्सेप्ट दिस लिप शेड. इसे मैं टेस्ट आउट कर रही थी, तो ये थोड़े से मेरे लिप्स इस समय स्टेन्ड हैं. तो स्टार्ट कर रही हूँ सबसे पहले स्किन केयर रूटीन से. उसके लिए मैंने यहाँ पर यूज़ किया है नायका फेशियल ऑयल, रोजहिप फेशियल ऑयल. एंड इसे मैंने अपने पूरे फेस पे, नेक पे अच्छे से अप्लाई किया है, सो दैट कि मेरी स्किन मॉइस्चराइज और हाइड्रेटेड रहे. एंड आई वुड सजेस्ट कि आप भी मेकअप अप्लाई करने से पहले हमेशा अपनी स्किन केयर रूटीन ज़रूर किया करो. इससे आपकी स्किन भी हेल्दी रहेगी एंड हेल्दी स्किन पे मेकअप कम टाइम लेता है एंड फ्लॉलेस भी दिखता है. देन फॉर प्राइमर, मैंने यहाँ पर NYB का प्राइमर यूज़ किया है. दिस इज़ द लाइक प्राइमर आई एम टेस्टिंग आउट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. एंड ये काफ़ी हद तक कलर बार और नायका के प्राइमर जैसा है. एंड इसे मैंने लाइक अप्लाई किया था करीब दोपहर के आसपास, और इसे मैंने रात तक पहने रखा था मेकअप को, क्योंकि मुझे किसी फंक्शन में भी जाना था. तो मुझे अच्छा लगा क्योंकि इसने मेरे मेकअप को काफ़ी टाइम तक लास्ट रखा था. तो अफोर्डेबल प्राइस के साथ ये काफ़ी अच्छा भी लगा मुझे प्राइमर. तो गर्ल्स, आप ये प्राइमर के लिए जा सकते हो. देन फॉर फाउंडेशन, मैंने यहाँ पर मेबलिन फिट मी फाउंडेशन लिया है. एंड इसमें आपको बहुत सारे शेड्स मिल जाते हैं, मतलब बहुत सारे बहुत सारे. तो आप अपने शेड का ही फाउंडेशन यूज़ करें. इस पर मैंने अलग से एक वीडियो भी बनाया है, अगर आपको वो देखना है तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूंगी, आप वहाँ से डेफिनेटली देख लेना. हाउ टू चूज़ अ राइट फाउंडेशन शेड फॉर योर स्किन टोन. एंड इसे मैंने एक ब्रश से अच्छे से ब्लेंड कर दिया है. एंड येस, माइंड योर हेयर लाइन, क्योंकि ये जो आपकी हेयर लाइन है वहाँ पर भी अच्छे से इसे ब्लेंड करना एंड नेक को भी फोकस करना, वहाँ पर भी अच्छे से फाउंडेशन लगाना, सो दैट इवन बेस मिले आपको मेकअप को. एंड फॉर कंसीलर मैंने यहाँ पर यूज़ किया है दिस इज़ वेट एंड वाइल्ड फोटो फोकस कंसीलर. इस टाइम पे मेरा फेवरेट हो रखा है तो इसे ही अप्लाई कर रही हूँ. इसे मैंने नोस्टल्स के साइड में भी अप्लाई किया है एंड लिप्स पर भी अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि ये वो एरिया है जहाँ पर मुझे पिगमेंट है. तो इसे मैं इवन करने के लिए मैंने अपने स्किन का मैचिंग ये जो कंसीलर लिया है, हाईलाइटेड वन नहीं लिया है, मतलब लाइटर शेड नहीं है, मेरे स्किन के मैच का ये कंसीलर है, सो दैट कि जो भी मेरा अन ईवन स्किन है वहाँ पर ये इवन कर दे इसे. एंड इसे सेट करने के लिए ज़रूर ज़रूर आप लूज पाउडर या फिर कोई कॉम्पैक्ट ज़रूर अप्लाई करिए. आपको पता होगा मेरा टी जोन है वो ऑयली है, तो इसे मैंने अपने अंडर आई पे अप्लाई किया है एंड टी जोन पे, चिन पे भी अप्लाई किया, इंक्लूडिंग माय नेक एज वेल. एंड ये लूज पाउडर, एज आई एम शोइंग अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स, तो यहाँ पर मैंने लैक्मे लूज पाउडर यूज़ किया है. ये अफोर्डेबल होने के साथ साथ काफ़ी अच्छा काम भी करता है. एंड इससे ही यूज़ करके मैंने पूरा फेस अपना सेट कर लिया है. ज़रूर अप्लाई करिएगा लूज पाउडर या कॉम्पैक्ट, क्योंकि स्वेट करोगे आप गरबा नाइट पे तो आपका जो मेकअप है वो काफ़ी लाइक गंदा सा, केकी सा, अजीब सा दिखने लगेगा. तो ज़रूर यूज़ करना. एंड अपनी ब्राउज़ को शेप करने के लिए मैंने यहाँ पर एक आई शेडो पैलेट यूज़ कर लिया है. कोई भी आई शेडो पैलेट जिसमें आपके पास ब्राउन और ब्लैक शेड हो उसे यूज़ करके अपनी ब्राउज़ डिफाइन कर लो. एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आप कोई ब्राउ मस्कारा या फिर मतलब कोई वाटरप्रूफ मस्कारा यूज़ कर लो अपनी ब्राउ हेयर को अच्छे से फिक्स करने के लिए, क्योंकि मैंने पाउडर यहाँ पर चीज़ प्रोडक्ट यूज़ करा है अपनी ब्राउज़ को शेप करने के लिए. तो इसे सेट करना बहुत ज़रूरी है. आप कोई क्रीम पेंसिल भी यूज़ करते हो तो उसको भी सेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप डांस करते करते डेफिनेटली स्वेट करोगे, और अगर आपकी पेंसिल भी आपने अप्लाई करी है तो वो भी स्मर्ज होगी एंड डेफिनेटली पाउडर भी फेड ऑफ हो जाता है. तो थोड़े पैसे इन्वेस्ट करो और एक
अच्छा सा ब्राउ मस्कारा ले लो या फिर कोई वाटर प्रूफ मस्कारा जैसे मैंने आपको बताया वो यूज़ कर लो। देन मैंने यहाँ पर सिटी कलर कॉन्टोर पैलेट यूज़ किया, उसमें से ये डीपेस्ट शेड यूज़ करी हूँ और एक फ्लफी ब्रश यूज़ किया मैंने। मेरे कुछ ब्रशेस ऐसे हैं जिसे मैं हमेशा यूज़ करती हूँ अपने आई शेडो के टाइम पे और ये उन्हीं में से एक ब्रश है। इसे मैंने क्लब फैक्ट्री से लिया था एंड दिस इज़ रियली अ नाइस वन। इसे मैंने अपने आईलेट पे रफली आप देख सकते हो बहुत क्लोजली दिखा रही हूँ सो दैट कि आप अच्छे से पिकअप कर सको। इवन द बिगनर्स कैन ऑल्सो अचीव दिस मेकअप लुक वेरी इजिली। इसे मैंने पूरे आईलेट पे अच्छे से अप्लाई किया है कॉन्टोर करते हुए अपनी आईज को और तब तक करा है जब तक मुझे वो मतलब ब्राउन शेड अच्छे से मिल नहीं गया। देन मैं यहाँ पर स्विस ब्यूटी का ये एक शिमरी आई शेडो है, दिस इज इन द शेड कॉपर लाइट कॉपर 03। एग्जैक्ट शेड मैं इसका अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन कर दूंगी। सारे प्रोडक्ट्स पहले मैंने ट्राई किया कि इसे मैं ब्रश से अप्लाई करूँ शायद अच्छी पिगमेंट होगी। रिसेंटली मैंने इसे ऐसा ट्राई करना मतलब यूज़ करना शुरू किया है, लास्ट वीडियो में भी किया था दुर्गा पूजा मेकअप लुक में। बट यहाँ पर इसे मैंने फिंगर से जब अप्लाई किया तो नाउ यू कैन सी क्लोजली दिखा रही हूँ इसकी जो शीन है जो पिगमेंट है वो ज़्यादा अच्छे से पॉप होकर दिख रही है। तो मैंने यहाँ पर अपनी फिंगर्स का ही इस्तेमाल किया है, वो ज़्यादा बेटर हुआ है इसकी फुल ऑन पिगमेंट देने के लिए। एंड ये आई मेकअप लुक क्रिएट करना आई थिंक गाइज वेरी ईजी, लाइक क्योंकि मैंने बहुत ही इसे सिंपल रखा है और मेरी अपनी पूरी कोशिश होती है कि जब भी मैं कोई आपसे मेकअप लुक शेयर करती हूँ आप मेरे कोई भी मेकअप ट्यूटोरियल देख लीजिएगा मैं जो बहुत सिंपल एंड अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचती हूँ कि आप उसे पिकअप कर लोगे ना, मतलब ऐसा इजी बनाने की पूरी कोशिश रखती हूँ मैं। देन मैंने यहाँ पर सेम एक ब्लैक आई शेडो लिया है, आप कोई भी ब्लैक आई शेडो ले लो और उसे मैंने अपनी क्लोजली लैश लाइन के अपर और लोअर दोनों पे अप्लाई किया है जस्ट टू गेट दैट स्मर्जी आई लाइनर लुक, बट कोई आई लाइनर यूज़ नहीं किया है। एंड इसे इस तरह से आपको लाइटली इसके जो भी लाइन्स है उसे स्मर्ज कर लीजिएगा सो दैट कि वो थोड़ा स्मर्जी लिखे एंड लगे एंड स्मोक्ड आउट लगे थोड़ी सी आपकी आईज, बट बहुत ज़्यादा इंटेंस स्मोकी नहीं करी है मैंने। एंड अपने मेकअप को कंप्लीट करने के लिए आई मेकअप को मैंने यहाँ पर मेबलिन पुशअप ड्रामा मस्कारा यूज़ किया, बट मुझे लगा कि उससे अच्छी मुझे मतलब नहीं मिल रही है लैशेस को वॉल्यूम तो मैंने यहाँ पर टोटल टेम्पटेशन यूज़ किया है। आप चाहो तो फॉल्सीज भी अप्लाई कर सकते हो बट मैं इतनी फॉल्सी लवर नहीं हूँ तो मैंने इसे यूज़ करके ये फॉल्सी लुक क्रिएट किया। यू कैन सी कि इसने मेरे वॉल्यूम को काफ़ी अच्छा लाइक फॉल्सी टाइप का लुक दे दिया है। एंड मुझे ना फॉल्सीज अप्लाई करना अभी टू बी वेरी ऑनेस्ट आता नहीं है उतना अच्छे से, मैं खुद सीख रही हूँ। एंड अपने चीक्स को थोड़ा कॉन्टोर कर रही हूँ सो दैट कि फेस को थोड़ा सा स्ट्रक्चर ही मिले, तो मैंने सेम वही सिटी कलर का कॉन्टोरिंग पैलेट यूज़ किया है जस्ट टू कॉन्टोर माई फेस। एंड मेरा फेस ऑलरेडी काफ़ी स्लिम है तो बहुत ज़्यादा कॉन्टोरिंग मैं करती भी नहीं हूँ। एंड यहाँ पर मैंने सिवाना का ये हाइलाइटर यूज़ किया है एंड आई लव टू हाईलाइट माई इनर कॉर्नर्स। आपको नहीं पसंद तो आप वैसे स्किप भी कर सकते हो इस स्टेप को। एंड इसे यूज़ करके मैंने अपने जो हाइएस्ट पॉइंट हैं हाइएस्ट लाइक एरियाज़ वहाँ पर मैंने इसे अप्लाई किया लाइक ब्रिज ऑफ माई नोज। एंड आप देख सकते हो ये हाइलाइटर काफ़ी अफोर्डेबल है, रियली वेरी अफोर्डेबल, आपको अमेजोन पे अच्छे प्राइस में मिल जाएगा। इस समय तो ऑलरेडी सेल टाइम चल रहा है, ले सकते हो। एंड इसकी शीन बहुत अच्छी है, नॉट दैट चंकी वन, वेरी सटल एंड वेरी मेल्टेड टाइप सी इसकी शीन है, शिमर है। एंड मैंने यहाँ पर मेबलिन का ब्लश यूज़ किया है टू हाईलाइट टू लाइक एप्पल ऑफ माई चीक्स एंड काफ़ी सटल डाउन सा कर दिया इसने मेरे ओवरऑल मेकअप लुक को। और मैंने यहाँ पर बेला का लिप लाइनर यूज़ किया है, दिस इज़ ऑल्सो वेरी अफोर्डेबल लिप लाइनर। आई थिंक मैंने शायद इसे सिर्फ 97 रुपीज़ में लिया था, एग्जैक्ट प्राइसिंग मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेफिनेटली मैंशन कर दूँगी। एंड लिपस्टिक के लिए मैंने यहाँ पर यूज़ करी है बेला डार्लिंग इजाबेल की लिपस्टिक इन द शेड नॉटी न्यूड, ऐसे ही कुछ शेड है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। एंड अपने मेकअप को फिक्स करने के लिए मैंने यहाँ पर स्विस ब्यूटी मेकअप फिक्सर यूज़ किया है एंड हेयर इज़ माई फाइनल लुक, सिर्फ आँख को मैंने छोड़ा है। एंड मैंने यहाँ पर सिल्वर एक्सेसरीज पहनी है, ब्लैक बिंदी, पिंक साड़ी विद फ्लोरल ब्लाउज एंड नोज पिन भी मैंने पहनी है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर करिए। मेरे चैनल पे नए हैं देन मेक श्योर सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द बेल बटन टू गेट नोटिफाइड एवरी टाइम। नाउ आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून, टिल देन यू गाइज एन्जॉय गरबा नाइट्स, टेक केयर एंड बाय बाय।